मंच पर उपस्थित भारत के प्रधानमंत्री और जननायक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, श्रद्धेय अडवाणी जी, निवर्तमान अध्यक्ष श्रीमान राजनाथ सिंह जी, मंच पर उपस्थित पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर जोशी जी, श्रीमान वेंकैया जी, श्रीमान नितिन गडकरी जी, भारत सरकार के वित्त मंत्री और राज्यसभा में पक्ष के नेता श्री अरुण जेटली जी, मंच पर उपस्थित सभी मुख्यमंत्री गण और कार्यकर्ता बंधु भगिनी और देश भर से आज के कार्यक्रम में पधारे हुए कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आज आप सबको मालूम है उन सभी को याद करके, उनको विनम्र श्रद्धांजलि देकर उनके प्रति मैं अपना आदर व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं आप सब लोगों का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि पार्टी के नेतृत्व ने मुझ में भरोसा किया है, मेरी क्षमता में भरोसा किया है और आप सब ने इसका भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बिठाया। मित्रों, मैं मानता हूं कि मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना ये भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं का सम्मान है, बूथ पर काम करने वाले हर एक कार्यकर्ता का सम्मान है। मित्रों, मैंने मेरी यात्रा एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में बूथ समिति से शुरू की थी और वहां से अनेक पड़ाव पार करते करते आज मैं यहां तक पहुंचा हूं। मैं जानता हूं कि एक अकेली ऐसी पार्टी है जिसमें 1200 से ज्यादा पार्टियां देश में राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रही हैं और सभी पार्टियों में अगर हम एक एक पार्टी को देख ले तो सभी पार्टियों के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष या तो घराने से बनते हैं या तो अकस्मात से बनते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक अकेली ऐसी पार्टी है जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता के लिए मौका उपलब्ध है, वो हम सब के लिए गौरव की बात है। ये आज की परंपरा नहीं है। पार्टी जब से बनी तब से श्रद्धेय अटल जी हो, अडवाणी जी हो, जोशी जी हो, नितिन गडकरी जी हो, वेंकैया जी हो, राजनाथ सिंह जी हो, सब के सब कोई विशिष्ट घराने में पैदा नहीं हुए, ना उनके पीछे ऐसा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, मगर सब लोग कार्यकर्ता थे और कार्यकर्ता नाते काम करते करते यहां तक पहुंचे थे और इसीलिए आज हमारी पार्टी 1950 से लेकर आज तक की यात्रा संपन्न कर ये दिन देखने को हमारी पार्टी को मिला है कि संपूर्ण बहुमति के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से ध्वजवंदन करेगा। मित्र, कई कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन इस मिशन के लिए लगाए हैं, कुछ कार्यकर्ताओं के तो नसीब में भी नहीं हुआ कि दिन देख पाए। आज भी जब देखते हैं कि एक कार्यकर्ता रोड पर पोस्टर लगाता है और आयु 50 या 60 से आगे है, उसके मन में क्या अपेक्षा, उसके मन में कुछ पाने की अपेक्षा नहीं है, उसके मन में एकमात्र अपेक्षा है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत बने, यशस्वी बने और उसके माध्यम से इस देश का कल्याण हो, यही कल्पना लेकर वो कार्यकर्ता काम करता है। और जब मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बनाया, उस वक्त देश भर के करोड़ों करोड़ों गरीबों ने इस पार्टी को अपने साथ जोड़ दिया, देश के गरीबों की भावनाओं को इस पार्टी के साथ जोड़ दिया, देश के गरीब को लगा
कि हमारे बीच में से निकला हुआ एक व्यक्ति, चाय बेचने वाला एक व्यक्ति, गरीब के घर में पला हुआ एक व्यक्ति, कहीं और पड़ा हुआ एक व्यक्ति, एक छोटा कार्यकर्ता बनते बनते देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये कर सकती है, आइए भारतीय जनता पार्टी का समर्थन। और मित्रों, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ये गरीबों की पार्टी के रूप में अब एक नए परिचय के साथ आगे बढ़ रही है। मित्रों, यह पार्टी एक आंदोलन है, विचारधारा इसका प्राण है और कार्यकर्ता इसकी ताकत है। मेरी धारणा है कि मेरा अध्यक्ष बनना एक कार्यकर्ता नाम की संस्था का सम्मान है, कोई अमित शाह का सम्मान नहीं है, कार्यकर्ता इंस्टीट्यूशन का सम्मान है। और मैं मानता हूं यह भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। मित्रों, यह दायित्व निभाने में मुझे मेरे वरिष्ठ मार्गदर्शन करेंगे, मेरे सहयोगी मेरे साथ रहेंगे और मेरा कार्यकर्ता, लाखों लाखों कार्यकर्ता मेरा साथ देंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। मित्रों, एक बात आज मैं फिर से यहां कहना चाहता हूं, गत चुनाव में नरेंद्र भाई और राजनाथ सिंह जी की जोड़ी ने इस चुनाव का नेतृत्व किया था। नरेंद्र भाई को हमने प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया था और माननीय राजनाथ जी को पार्टी का अध्यक्ष पद दिया था। इन दोनों की इस जोड़ी ने कई पड़ाव पार करते हुए, कई चुनौतियों को लांघते हुए, अनेक चढ़ाव उतार देखते हुए 7-8 महीने का एक लंबा चुनावी अभियान पार कर भारतीय जनता पार्टी को यश दिलाया है। मैं आप सबको विनंती करता हूं कि सब लोग हमारे स्थान पर, अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दोनों नेताओं का अभिनंदन करें, दोनों नेताओं का स्वागत करें। यही है वह जोड़ी है मित्रों। यही वह जोड़ी है मित्रों जिसने भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाखों कार्यकर्ता का स्वप्न पूरा किया है। लाखों कार्यकर्ता जब से जनसंघ बना तब से एक स्वप्न लेकर चलते थे कि हिंदुस्तान पर भारतीय जनता पार्टी का शासन हो। अटल जी के नेतृत्व में सरकार तो बनी थी, ये भी बहुत बड़ी अपने आप में एक कीर्तिमान था, मगर अटल याद रहे, अटल जी की सरकार एक गठबंधन की सरकार थी। इस बार हमारी सरकार अपने बूते पर बनी हुई सरकार है, पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी शासन में आई है। मित्रों, लोकसभा चुनाव की ओर नजर करते हैं तो बड़े आश्चर्यजनक परिणाम कार्यकर्ताओं के परिश्रम के कारण हमने अर्जित किए हैं। मित्रों, ये चुनाव न केवल भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में बल्कि देश के निर्वाचन के इतिहास में सुवर्ण अक्षर से लिखा जाएगा। मित्रों, इस चुनाव की सबसे बड़ी सफलता का मूल मंत्र था कि जनता को चाहिए था अपनी विकास की भूख को संतोष कर सके ऐसा एक नेता, अपने विकास की भूख को संतोष कर सके ऐसा एक नेता चाहिए था। और भारतीय जनता पार्टी ने वो काम कर दिया, श्री नरेंद्र मोदी को चुनाव का नेता बनाकर लोगों के सामने प्रस्तुत किया। इसके कारण लोगों के मन में जो आशाएं थी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी, अपने आप ही आशाएं नहीं जुड़ी है मित्रों, इसके पीछे 12 साल की तपश्चर्या इसके पीछे बल दे रही है। मित्रों, नरेंद्र भाई जब से गुजरात के मुख्यमंत्री बने उस वक्त देश भर का एक चित्र ऐसा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने के बाद, यूपीए की सरकार आने के बाद जिस तरह की अव्यवस्था देश में शुरू हुई उससे देश की जनता का भरोसा उठ गया था कि बहुपक्षीय लोकतांत्रिक व्यवस्था से भी कल्याण राज्य की स्थापना हो सकती। ये भरोसा देश की जनता खो बैठी थी और दूर सुदूर गुजरात देश के कोने में नरेंद्र भाई ने 12 साल तक सरकार चलाई और धीरे 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 गुजरात मॉडल पूरे देश में चर्चित हुआ और उस गुजरात मॉडल के कारण एक भरोसा देश में खड़ा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी वो सरकारें इस तरह से चली कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो देश में सुशासन ला सकती है। नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता है
जो देश को कल्याण राज्य दे सकते हैं। इसके कारण ही मित्रों हमारे देश की जनता ने अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ा है। मित्रों जनता के मन में जो कुशासन के प्रति, महंगाई के प्रति, असुरक्षा के भाव के प्रति, सीमाओं की सुरक्षा नहीं हो रही थी उसके प्रति जो आक्रोश था, उसको सफलतापूर्वक हमने वाचा देने का काम किया। हमारे चुनाव अभियान ने लोगों के आक्रोश को एक आशा में परिवर्तित किया और आशा को मत में परिवर्तित किया और मत को सीट में परिवर्तित किया। हजारों करोड़ों कार्यकर्ताओं ने इस काम को मित्रों बल दिया है। बूथ पर दिन रात मेहनत करने वाला कार्यकर्ता हो या हमारी सैद्धांतिक भूमिका के समर्थन में ट्विटर या फेसबुक पर लड़ाई लड़ने वाला कोई साइबर योद्धा हो, किसी ने अपने धन्यवाद के पत्र की अपेक्षा भी नहीं रखी। सब लोगों ने, समाज जीवन के कई लोग, कई संस्थाएं, कई नेता अपने आप भारतीय जनता पार्टी के अभियान के साथ जुड़े और मानो भारतीय जनता पार्टी के विजय का अभियान भारतीय जनता पार्टी का न रहते हुए समाज का एक अभियान बन गया और अंततोगत पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा। मित्रों मैं बार इसलिए मानता हूं कि हमने जो नारा दिया था अब की बार मोदी सरकार वो नारा को जनता ने ठीक से स्वीकारा है। मित्रों इस प्रचार अभियान का अगर एक कार्यकर्ता है नाते हम एनालिसिस करें तो कई नई पद्धतियां हमने इस बार अपनाई थी। जो नई तौर तरीके हमने अपनाए, चाय पे चर्चा हो या 3D से सभाएं हो या अलग प्रकार की कई बातें हमने अपनाई थी, इसके कारण इस प्रचार अभियान को वेग मिला। मित्रों माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी बनने के बाद एक अथक प्रयास उन्होंने जनता के अंदर जागृति लाने का किया था, उसको थोड़ा आंकड़ों की दृष्टि से भी देखना चाहिए। माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी बनने के बाद 437 बड़ी सभाएं हुई जिसको मोदी जी ने संबोधित किया। कुल 5827 जनसंपर्क अभियानों में उन्होंने हिस्सा लिया और 25 राज्यों में 300,000 किलोमीटर की यात्रा कर जनता को जागरूक करने का प्रयास किया। मित्रों मैं मानता हूं कि शायद आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में ये सबसे बड़ा जनसंपर्क अभियान था, एक बहुत बड़ा जनसंपर्क अभियान था। किसी भी देश के नेता ने इस तरह का जनसंपर्क अभियान नहीं करा होगा। मगर अभियान के बाद विजय से हमारा अभियान समाप्त नहीं होता, विजय से हमारे अभियान की शुरुआत होती। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये न समझे कि भारत कांग्रेस मुक्त हो गया है। कई हिस्सों में पार्टी को मजबूत करना अभी बाकी है, पार्टी को पहुंचाना अभी बाकी है। मैं इस बात पर बाद में आऊंगा मगर सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में मैं देश की जनता का हृदय पूर्वक और बड़ी विनम्रता से आभार मानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का मौका दिया और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने का मौका लिया, इसलिए मैं देश की जनता का आभार मानता हूं। मित्रों सामाजिक संस्थाएं भी बहुत सारी हमारे साथ जुड़ गई थी, मैं आज इस मंच पर से उन संस्थाओं का भी हृदय से आभार मानना चाहता हूं और विशेषकर विचार परिवार के, हमारे विचार परिवार के सभी संगठन इस अभियान को अंजाम देने के लिए हमारे साथ शायद हमसे भी ज्यादा मेहनत कर जुड़े थे। मैं आज इस मंच से उन सभी संगठन और उस संगठन के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं का भी हृदय से आभार मानता हूं। मित्रों चुनाव परिणामों का विश्लेषण करें तो बहुत सारे नए कीर्तिमान देखते देखते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बना दिए। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 31% वोट मिले हैं जो अब तक के चुनावी इतिहास में किसी भी गैर कांग्रेसी सरकार, गैर कांग्रेसी दल को मिलने वाले सबसे ज्यादा वोट है। मित्रों हमें गौरव होना चाहिए कि 31% वोट पाकर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी वोट पाने वाली पार्टी बनी है और गठबंधन की बात करें तो 38% वोट भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए ने अर्जित किए हैं। मित्रों हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, गोवा जैसे राज्य और दादरा नगर हवेली, दमन, दीव, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़ जैसे केंद्र शासित प्रदेश तथा दिल्ली में
लोकसभा की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई। एक भी सीट किसी और दल को नहीं मिली है। मैं मानता हूं शायद ही किसी कोई और बार इस तरह का जनादेश किसी पार्टी को मिला होगा। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी आज हम बिल्कुल कह सकते हैं कि साच अर्थ में एक अखिल भारतीय पार्टी बनी है। देश का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहां से भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि, जनता का प्रतिनिधित्व देश की संसद में न करता हो। सारे देश ने हमारे प्रतिनिधियों को मौका दिया है, कमल का फूल हर जिले से हर राज्य से खिलाकर देश में भेजा है, इसका हमें गौरव होना चाहिए। मित्रों, जहां तक मत प्रतिशत का सवाल है, गुजरात, उत्तराखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हमने 50% से ज्यादा वोट पाए हैं। छत्तीसगढ़, दिल्ली, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हमने 40% से वोट पाए, ज्यादा वोट पाए हैं। मित्रों, उसमें दिल्ली, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और झारखंड में बहुकोणीय जंग के अंदर 40% वोट भारतीय जनता पार्टी ने पाकर एक रिकॉर्ड बनाया है। मित्रों, उत्तर प्रदेश और आसाम और राजस्थान में वोट प्रतिशत की वृद्धि 20% से भी ज्यादा रही है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने जो पाया है इसकी बात मैंने कही। 130 साल वर्ष पुरानी कांग्रेस पार्टी इस चुनाव अभियान में, इस चुनावी समर में 14 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। एक भी सांसद इन 14 राज्यों से कांग्रेस पार्टी का मित्र चुनकर नहीं आए। इस जनादेश ने न केवल भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिलाया है बल्कि कांग्रेस के पास से विपक्ष का स्टेटस भी ले लिया है। इस जनादेश ने कांग्रेस पार्टी को इतना छोटा कर रख दिया है। मित्रों, ये कोई साधारण परिवर्तन नहीं है। देश के राजनीतिक इतिहास में स्वाधीनता के बाद जन्मा एक नेता पहली बार इस देश का प्रधानमंत्री बन रहा है और आने वाले दिनों में ये नए विचार के साथ आए हुए हमारे नेता देश को एक नई दिशा दिखाएंगे, उसका मुझे विश्वास है। मित्रों, 2014 के परिणाम ये घरानेशाही और परिवारवाद का पराजय है। जितनी भी पार्टियां परिवारवादी पार्टियां थी वो सभी को जनता ने परास्त किया है और कैडर बेस्ड भारतीय जनता पार्टी को विजयी किया है। और मित्रों, 2014 के चुनाव वो तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति का भी पराजय है। जिन पार्टियों ने तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति करते करते जनादेश पाने का प्रयास किया था उन सभी पार्टियों को जनता ने दरकिनार किया है और भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास इस सूत्र को जनता ने स्वीकार कर मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को दिया है। मित्रों, हमें भूलना नहीं चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बाद सबसे पहली ऐसी पार्टी बनी है जो पूर्ण बहुमत के साथ देश के पर अब शासन करने जा रही है। मित्रों, आज हम इस पार्टी के इतिहास के एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं। उस वक्त हमें याद रखना चाहिए कि हमारी पार्टी का आधार ही विचारधारा है। मित्रों, जब 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई या बाद में 1980 में जब पार्टी का भारतीय जनता पार्टी के रूप में पुनर्जन्म हुआ, दोनों वक्त, दोनों घटनाक्रमों में मूल कारण विचारधारा था। आजादी के बाद जब देश के अंदर सरकार बनी, नए आजाद देश की नीतियां बनने लगी, तब हमारे नेताओं को लगा कि नीतियों की नींव पाश्चात्य विचारों से प्रभावित है। ये नीतियां अगर आगे पर चली तो बड़े दुष्परिणाम होंगे और इस नीतियों पर देश की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। इसलिए एक ऐसी पार्टी बने जो इस माटी की सुगंध लेके खड़ी हो, एक ऐसी पार्टी बने जिसकी नीति इस देश की संस्कृति से पनपी हो, एक ऐसी पार्टी बने जिसकी नीतियों में इस देश की समस्याओं का समाधान हो, इसके कारण ही 1950 में जनसंघ की स्थापना हुई थी। मित्रों, और उसके बाद में जब इस नीतियों पर अड़े रहने की बात आई, तब 1980 में
जनता पार्टी हमें छोड़नी पड़ी और भारतीय जनता पार्टी का मित्रों जन्म हुआ। आजादी के बाद हमारी यात्रा 1950 से लेकर 2014 तक चली है। यात्रा ने कई पड़ाव हासिल किए हैं मित्रों। 1950 से 1980 तक एक व्यापक राजनीतिक विरोध का सामना हमारी विचारधारा ने करना पड़ा है। जनता के अंदर हम हमारी विचारधारा को समझा नहीं पा रहे थे, ना उसकी स्वीकृति चुनावों में मिलती थी। 1980 के दशक के बाद धीरे 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 हमारे विचार की स्वीकृति मिलना शुरू हुई और हम कई जगहों पे जन स्वीकृति प्राप्त करने लगे। 90 का दशक था हमारे विचार के सम्मान का पर्व। 90 के दशक में हम कई जगह पे बड़ी संख्या में चुनकर आने लगे, कई जगह पे हमारी सरकारें बनी और अंत में देश में भी हमारी सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी। 90 से 2014 का संघर्ष का जो समय निकला वो पार कर अब 2014 से पार्टी एक नई दिशा की ओर जा रही है और मैं कहना चाहता हूं कि हमारे विचार का प्रभाव पर्व का प्रारंभ हो चुका है। हमारे विचार का प्रभाव पूरे देश में आज फैलकर हम पार्टी एक पार्टी नाते पूरे देश के अंदर व्याप्त है। मित्रों, हमारे देश में 6 दशकों तक कांग्रेस का विचार ही समाज को प्रभावित करता रहा। शासन भी कुल मिलाकर 6 दशकों में कांग्रेस का ही रहा, मगर राजनीति के ऊपर छाया भी कांग्रेस के विचारों की रही। अब समय आ गया है कि समाज पुरुष के विचार पर हमारे विचारों की छाया पड़े, हमारे विचारों की स्वीकृति हो। मित्रों, ये दिन वैसे ही नहीं आया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, राजमाता सिंधिया जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी, सुंदर सिंह भंडारी जी, नानाजी देशमुख, जगन्नाथ राव जोशी, भाई महावीर त्यागी, अटल जी और अडवाणी जैसे कई नेताओं ने अपने जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण इस विचारधारा को समर्पित किया है, तब जाकर ये दिन हमें देखने को नसीब हुआ है। मैं आज इस मंच से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते उन सभी महानुभावों को शीश झुकाकर नमन करता हूं और उनका जीवन सालों सालों तक हम सबको प्रेरणा देता रहे और उस जीवन से हम भी विचारधारा के लिए जीने की और पार्टी के लिए जीने का लक्ष्य हमारे जीवन का बना सके, ऐसी मैं ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ। मित्रों, सरकार जब आई है तब सरकार तो सुचारू रूप से चलानी ही होगी, मगर संगठन को भी ठीक करना होगा। जब तक हमारे संगठन का व्याप हर जगह पे नहीं बढ़ता मित्रों, हम एक लंबे समय तक इस देश में शासन नहीं कर सकते। संगठन के विषय पर मैं बाद में आऊंगा। मित्रों, आने वाला वर्ष एकात्म मानव दर्शन का स्वर्ण जयंती पर्व है। हमारे विचार का मूल आधार एकात्म मानव दर्शन है और एकात्म मानव दर्शन को दीनदयाल जी ने प्रतिपादित किए हुए 50 साल आने वाले वर्ष में पूरे होने वाले हैं। 2015 में पंडित दीनदयाल जी की जन्मशती भी आ रही। पार्टी अनेक कार्यक्रम लेकर 2015 में आप लोगों तक आएगी और आपके माध्यम से जनता तक पहुंचेगी। विचार के आधार पर चलने वाली पार्टी के नाते हमने अपने सिद्धांतों को और अपनी नीतियों को लोगों तक ले जाने के लिए इससे बड़ा मौका कब नहीं मिलेगा। मित्रों, एकात्म मानववाद ये कोई सिद्धांत नहीं है, एक दर्शन है। ये कभी कालबाह्य नहीं होगा। मित्रों, मैं मानता हूं ये शाश्वत है और आज की सभी वर्तमान समस्याओं का हल अगर किसी ने भी ढूंढना है तो एकात्म मानव दर्शन के अंदर ढूंढा जा सकता है। आने वाले दिनों में मैं मानता हूं कि हमारे कार्यकर्ताओं की एक बड़ी जिम्मेदारी है कि हमारे मूल विचार को, हमारे दर्शन को, हमारे विचार की नींव एकात्म मानववाद को लेकर हम लोगों के बीच में जाए और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का भी परिचय लोगों से कराए। मित्रों, हमारी सरकार के गठन को 75 दिन हो गए। यूपीए 1 और यूपीए 2 10 साल के कांग्रेस का शासन इस देश में इस तरह से चला कि हर क्षेत्र में, हर मोर्चे पर ये सरकार विफल रही। सरकार इस तरह से चली कि हर क्षेत्र में बहुत बड़े सुधार की जरूरत छोड़कर वो लोग गए हैं। मित्रों, चाहे वो पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाने की बात हो,
हिंदुस्तान के हितों के लिए अनुरूप विदेश नीति बनाने की बात हो, कीमतों पर लगाम लगाने की बात हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, आंतरिक सुरक्षा की बात हो, सीमाओं की सुरक्षा की बात हो, या कृषि दर और विकास औद्योगिक विकास दर को आगे बढ़ाने की बात हो, हर मोर्चे पर यूपीए की सरकारें विफल रही है मित्रों। और जब देश की सरकारों का इतिहास लिखा जाएगा तब ये दोनों यूपीए की सरकारें, यूपीए वन और यूपीए टू, घोटालों की सरकार के रूप में जानी जाएगी। इतने घोटाले कांग्रेस की सरकार ने करे हैं, शायद ही किसी एक सरकार इतने घोटाले कर सकते है, इतने घोटाले इस सरकारों ने किए हैं। मित्रों, देश की जनता ने गुजरात, राजस्थान, गोवा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जहां जहां हमारी सरकारें थी, उसके सुशासन को देखा है और उसको देखकर हम पर भरोसा किया है। अब हमारा फर्ज बनता है कि जब देश की जनता ने देश की सरकार की कमान भी हमारे हाथ में सौंपी है, तब इसी बात को हम एक्सटेंड करते हुए देश के अंदर भी एक अच्छा शासन दें। मित्रों, 10 साल से के कुशासन के परिणामों से देश की सरकार को बाहर निकालना बड़ा लंबा रास्ता है, मगर मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है कि 75 दिन के अल्प समय के अंदर मोदी सरकार ने एक ठोस नींव रखी है और एक रोड मैप तैयार किया है कि सरकार किस तरह से आगे बढ़ेगी और उस दिशा में देश का भला होगा। ये रोड मैप पूरे देश की जनता इसको अनुभव कर रही है। जिस तरह की खस्ताहाल वित्तीय परिस्थिति को हमें विरासत में मिली, उसमें बजट बनाना भी नामुमकिन था, मगर वित्त मंत्री जी ने बजट में इतना स्पष्ट कर दिया है कि नया बोझ जनता पर डाले बिना किस तरह से शासन किया जा सकता है। एक पैसे का नया बोझ डाले बगैर बजट पेश कर अरुण जी ने एक नई दिशा दी है। और मित्रों, इसके साथ ग्रोथ रेट की वृद्धि के लिए, कृषि और उद्योग की विकास के संतुलन के लिए, गांव और शहर के विकास के संतुलन के लिए एक बैलेंस अप्रोच कैसे बनाया जा सकता है, उसका भी उदाहरण इस बजट ने दिया है। शपथ विधि के साथ ही पड़ोसियों के साथ बड़े भाई छोटे भाई का व्यवहार नहीं होगा और समानता से काम होगा, परस्पर हितों का सम्मान करते हुए कैसे मधुर संबंध बनाए जा सकते हैं, इसका उदाहरण माननीय नरेंद्र भाई ने सार्क देशों के नेता को शपथ विधि में निमंत्रित कर उनके साथ मंत्रणा कर सभी सार्क देशों के नेताओं को भरोसा दिलाकर एक बड़ी सिद्धि हासिल की है। ब्रिक्स सम्मेलन में हिंदुस्तान एक बिग प्लेयर के रूप में हिंदुस्तान ने अपना परिचय दिया है और ब्रिक बैंक की स्थापना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आंतरिक सुरक्षा के मामले में कई नए इनिशिएटिव इस सरकार के लिए द्वारा लिए गए, विशेषकर टीम इंडिया का मोदी जी का जो सपने हैं उसको गृह मंत्रालय ने अमल करना शुरू कर दिया है। संघीय ढांचे को मजबूत कर देश के सभी राज्य देश के विकास में किस तरह से योगदान दे सकते हैं, उसकी शुरुआत अब हो चुकी है। विभिन्न मंत्रालयों के बीच में समन्वय के माध्यम से निर्णय प्रक्रिया में गतिशीलता लाने की बहुत बड़ी जरूरत थी और इस 75 दिन में इस दिशा में बहुत बड़ा काम हुआ है, जिससे बहुत कम समय में भी परिणाम मिलना शुरू हुए हैं। मित्रों, देश की अर्थव्यवस्था के प्रबंधन में निवेशकों का विश्वास पुनः प्रस्थापित हुआ है। शेयर बाजार का सूचकांक इसका द्योतक है। महंगाई पर काबू पाने के लिए सरकार ने कई शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म उपाय प्रारंभ किए हैं, बहुत कम समय में इसका परिणाम हमें देखने को मिलेगा। आईटी पर बल देते हुए प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए एक विशेष प्रयास भी शुरू किया है और एक विशेष बात का भी मैं उल्लेख करना चाहता हूं। WTO में हमने हमारी भूमिका स्पष्ट कर दी है कि ग्लोबल फाइनेंशियल डिसिप्लिन को तो हम सहयोग करना चाहते हैं, मगर हमारी प्राथमिकता देश का किसान और देश का गरीब है, उसके भोग पर WTO पर कोई समझौता नहीं होगा। देश के किसान और गरीब के हितों के साथ समझौता कर हम WTO के कोई समझौते में हिस्सा नहीं बनेंगे, ये नरेंद्र मोदी सरकार ने दुनिया के सामने स्पष्ट कर दिया है। मित्रों, मैं आप लोगों को बड़े गौरव के साथ कहना चाहता हूं कि 75 दिनों की शुरुआत में एक लंबी अच्छी शुरुआत की नींव डालने का काम ये सरकार ने किया है। इसके लिए मैं आप सबकी ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम को हृदय से अभिनंदन देना चाहता हूं और मैं आप सबके माध्यम से देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमें विरासत में जो मिला है
उसको सुधारने में समय तो लगेगा, मगर हमारी नीयत साफ है, रास्ता तय है और परिश्रम करने की ललक है, इसलिए परिणाम निश्चित मिलेगा। जनता भरोसा रखे, हमारे पार्टी की सरकार देश के लिए अच्छा काम करेगी। मित्रों, घोषणा पत्र हमारी पार्टी की जान है, हमारे चुनाव अभियान की जान है। मैं सरकार के सभी मंत्री महोदय यहां पर जो बैठे हैं उनको कहना चाहता हूं कि तत्काल प्रभाव से अपने अपने कार्यालयों में घोषणा पत्र के मुद्दों पर ध्यान दें और उसको उसके निर्वहन के लिए सुचारू व्यवस्था करें। घोषणा पत्र की सभी बातों में मैं जाना नहीं चाहता मित्रों, मगर एक बात घोषणा पत्र में ऐसी है जिसमें मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी आह्वान करना चाहता हूं। मित्रों, गंगा अभियान देश के इतिहास और गंगा को कोई अलग नहीं कर सकता। जितना देश का इतिहास पुराना है, गंगा का अस्तित्व भी इतना पुराना है। गंगा के लिए न केवल करोड़ों करोड़ों लोगों को धार्मिक आस्था गंगा के साथ जुड़ी हुई है, मगर मां गंगा करोड़ों लोगों की जीवन दायिनी है। इतने सालों की सरकार में जिस तरह की स्थिति गंगा की हुई है, इसके बारे में मैं कोई बात बताना नहीं चाहता, मगर दयनीय है, दुखद है। इतना बड़ा देश अपनी जीवन दायिनी मां गंगा को भी अगर शुद्ध नहीं कर सकता, अविरल नहीं कर सकता, तो मुझे लगता है कि एक प्रजा के नाते, एक समाज के नाते हमारे लिए वो अच्छी बात नहीं है। मित्रों, देश विदेश में फैले कई भारतीय भी हमसे आशा करते हैं कि हमारी सरकार गंगा के लिए कुछ करे, हमसे अपेक्षा करते हैं कि हमारी पार्टी गंगा के लिए कुछ करे। 80 से लेकर आज तक कई सरकारों ने हजारों करोड़ रुपया गंगा पर खर्च किया है, हजारों करोड़ रुपया, मगर गंगा की स्थिति जस की तस रही है, ज्यादा बिगड़ी है। इसका कारण यह है, गंगा अभियान को एक सरकारी कार्यक्रम बना दिया गया। अगर गंगा अभियान को जन आंदोलन बनाया जाता तो ये स्थिति गंगा की न होती और गंगा आज शुद्ध होती। मैं आप लोगों को अपील करना चाहता हूं कि सरकार के गंगा अभियान को लेकर जनता के बीच में जाइए, जनता को गंगा अभियान के साथ जोड़िए, स्वच्छता के साथ जोड़िए, अभियान के साथ जोड़िए, सरकार के प्रयासों के साथ जोड़िए और गंगा अभियान को लोगों का अभियान बनाकर अपनी सरकार फिर से एक बार मैंडेट लेकर जाए तो स्वच्छ और अविरल गंगा का भेंट जनता को देकर हम मैंडेट लेने जाए, ऐसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी करे, ऐसी मैं आप सबको अपील करना चाहता हूं। मित्रों, आने वाले दिनों में यही लोकसभा की हमारी ज्वलंत सफलता की नींव पर विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, जम्मू काश्मीर, झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए बहुत जरूरी है कि चारों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार चारों राज्यों में बनाए, ये बहुत जरूरी है। मित्रों, जहां तक जम्मू काश्मीर का सवाल है, जम्मू काश्मीर अत्यंत संवेदनशील राज्य है, सरहदी राज्य है। मित्रों, देश की एकता और अखंडता के लिए इसका बड़ा महत्व है। मुझे कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि जम्मू काश्मीर में आज के शासकों ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ दी है। जम्मू काश्मीर की जनता इन दोनों परिवारों से ऊब चुकी है। जम्मू काश्मीर की जनता भी चाहती है एक नई पार्टी आए, एक नया विचार आए, एक नया नेतृत्व आए और जम्मू काश्मीर को भारत के साथ इसका अभिन्न अंग बनाए। मित्रों, जम्मू काश्मीर अभियान के लिए जम्मू काश्मीर को जीतना सिर्फ जम्मू काश्मीर के कार्यकर्ताओं का काम नहीं है, पूरे देश के कार्यकर्ताओं को जिसको भी जिम्मेदारी लगेगी वो सब ने जम्मू काश्मीर में जाकर वहां के कार्यकर्ता की सहायता करना है। मगर मैं इतना निश्चित कहना चाहता हूं मित्रों कि जम्मू काश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, तभी जाकर वहां की गरीब जनता विकास का मार्ग प्रशस्त कर पाएगी। तब तक ये संभव नहीं है। शायद सभी राज्यों में सबसे ज्यादा केंद्र सरकार की मदद किसी एक राज्य में गई है तो जम्मू काश्मीर में गई है, और गांव का जम्मू का नागरिक पूरे देश में सबसे गरीब लोगों में से एक है। कहां गया पैसा?
ये दो परिवारों की सरकार ने पैसे को जनता तक नहीं पहुंचने दिया है। इस बात को भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू काश्मीर की जनता तक पहुंचाकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जम्मू काश्मीर की सरकार बनानी है। मित्रों, झारखंड का जवाब जहां तक सवाल है, सबसे ज्यादा संभावनाओं वाला अगर कोई राज्य है तो झारखंड है। वहां विकास की अमाप संभावनाएं पड़ी हैं। आज भी सबसे ज्यादा संपदा जम्मू काश्मीर झारखंड के लिए पास पड़ी है, मगर झारखंड आज भी विकसित राज्य नहीं बन सका। कारण क्या? कारण यह है मित्रों कि झारखंड की जनता ने हमेशा खंडित जनादेश दिया। मैं यहां इस मंच से झारखंड की जनता को अपील करना चाहता हूं, एक बार भारतीय जनता पार्टी की जोड़ली में पूर्ण बहुमत डालकर देखिए, भारतीय जनता पार्टी झारखंड को भी छत्तीसगढ़ जैसा विकसित राज्य बना देगी। आपके पड़ोस में ही छत्तीसगढ़ में हमने कराकर दिखाया है। एक मौका झारखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी को दे, पूर्ण बहुमत दे, हम झारखंड को विकसित राज्य बनाकर देंगे। मित्रों, हरियाणा का तो नाम देते ही जमीन के घोटालों का और कुछ लोगों का चेहरा याद आ जाता है। जमीन के भाव तो बढ़े, दाम तो बढ़े, मगर किसानों को नहीं मिले। कुछ ऐसे लोग ले गए जिनके इनकम टैक्स रिटर्न 50,000 से अरबों खरबों में पहुंच गए। मित्रों, हरियाणा में भी परिवर्तन चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि हरियाणा यूनिट इस बार एक निर्णय करके चुनाव के मैदान में उतरे कि हरियाणा में इस बार अकेले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है और भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत लाना है। अगर गठबंधन होगा किसी से तो देखा जाएगा। गठबंधन होगा तो भी हमें 45 से ज्यादा सीटें जीतनी है, और नहीं भी होगा तो पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर विजय ही बनना है। हरियाणा के आसपास के राज्यों को भी जिनको जिम्मेदारी दी गई है, सबसे पहला चुनाव हरियाणा का आएगा, और जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो सभी लोग पार्टी के काम में लग जाए और हरियाणा के यूनिट की मदद में रहे। मित्रों, महाराष्ट्र 50, 60 और 70 के दशक में देश भर में, चाहे कृषि विकास दर की बात हो, चाहे औद्योगिक विकास दर की बात हो, चाहे कुल मिलाकर GDP की बात हो, इसका नेतृत्व महाराष्ट्र करता था। और आज महाराष्ट्र 15 साल के UPA के शासन के बाद ऐसी स्थिति में पहुंचा है मित्रों कि महाराष्ट्र की हालत खस्ता हालत। हर राज्य के आंकड़े देख ले उठाकर तो सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्या कोई एक राज्य में हुई है तो महाराष्ट्र में हुई है। और 15 साल से कांग्रेस के नेतृत्व में वहां शासन है, वहां की जनता ने इस बार तय किया है। इसका एक उदाहरण लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र की जनता दे चुकी है। इस बार महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। महाराष्ट्र यूनिट ने उसकी एक पूर्ण तैयारी की। मैं मानता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर पूर्ण सरकार बनाना भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है, और आने वाले दिनों में इन चारों राज्यों में हमारी सरकारें बने, इसके लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने मित्रों परिश्रम की पराकाष्ठा करनी पड़ेगी। मित्रों, आने वाले 5 सालों में कई राज्यों में चुनाव आने वाले हैं। दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, अरुणाचल, मेघालय, ये सभी ऐसे प्रांत हैं जहां कभी न कभी हम सत्ता में रहे हैं। हमारे संगठन का काम है कि इन राज्यों में संगठन को इतना मजबूत करिए कि जब कभी भी चुनाव आए तब वहां पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और सरकार संगठन के बलबूते पर पड़े। और सिर्फ विधानसभा के चुनाव इन राज्यों में हमें कॉन्सेंट्रेट नहीं करने हैं मित्रों, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट और कोऑपरेटिव तक जितने भी चुनाव आते हैं सभी चुनाव को भारतीय जनता पार्टी की इकाई हल्के से न ले। हर एक चुनाव का अपना महत्व है, हर एक चुनाव जनता के बीच में एक संदेश डालता है। एक भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने अब नहीं छोड़ना है। हर चुनाव में विजय पानी है, विजय की आदत
भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डाल दे, क्योंकि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के लिए विजय ही विजय है। मित्रों, एक जमाना था जब चुनाव होता था तब कांग्रेस वर्सेस ऑल का होता था। अब धीरे धीरे ऐसा जमाना आ गया है कि अब चुनाव भारतीय जनता पार्टी वर्सेस ऑल का होगा। वैसे एक रूप में तो आनंद का विषय है, मगर एक तरीके से देखें तो चुनौती भी है। विरोधी सब एकत्रित आ रहे हैं। बिहार इसका उदाहरण है। जिस नीतीश कुमार ने लालू के शासन को जंगल राज कहकर मत प्राप्त किए थे, वो नीतीश कुमार आज सत्ता के कारण लालू यादव की गोदी में बैठते हुए जरा भी संकोच नहीं कर रहे, उनको शर्म नहीं आ रही। मित्रों, इससे अपवित्र को और कोई संगठन नहीं हो सकता। चुनावी गठबंधन भी बनते हैं सिद्धांतों के आधार पर, सिद्धांतों की साम्यता के आधार पर, विचार की साम्यता के आधार पर। कल तक घोर विरोधी रहने वाले लालू और नीतीश बाहों में बाह डालकर बिहार की जनता के सामने जाते हैं, तब उनको एक्सपोज करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की। यह पवित्र गठबंधन है। ताकत मतों की युति से नहीं होती, ताकत पार्टी के सिद्धांतों में होती है, ताकत पार्टी के संगठन में होती है, और विजय पार्टी का संगठन पाता है, मतों का योग नहीं पाता। मित्रों, इस बार बिहार के यूनिट थान ले 10 की 10 उपचुनाव की सीटें। हमारी जितनी भी सीटें हैं हम रिटेन करें और आगे की लड़ाई के लिए तैयार करिए। अकेले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बनाने के लिए बिहार यूनिट आज से ही कमर कस ले। मित्रों, मैं उत्तर प्रदेश की स्थिति का भी विशेष जिक्र करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था की परिस्थिति बहुत चिंताजनक है, और चिंताजनक इसलिए हुई है कि वहां की सरकार वोट बैंक की राजनीति के लिए एक तरफा काम कर रही है। राजकीय विरोधियों पर गलत मुकदमे दायर किए जा रहे हैं। कानून और व्यवस्था के मसले को धर्म के आधार पर नापने का ट्राई हो रहा है, और कानून और व्यवस्था के मसले को वोट बैंक का मुद्दा बनाया जा रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि वो कुछ भी करें हम संयम रखें, मगर हम जन जागृति जरूर लाएं, जनता के बीच में जाएं, और ये समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश संभालने में सक्षम नहीं है। इसके लिए घर घर जाकर जन जागृति करें, और किस तरह से एपीसमेंट की पॉलिसी पर, किस तरह से वोट बैंक के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, इसके लिए मित्रों हमने लोगों के पास जाना पड़ेगा। मगर मैं इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में शांति बनाने की जिम्मेदारी सरकार की से ज्यादा अपनी है, क्योंकि 80 में से 73 सीट उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दी है। अगर सरकार नहीं संभालती वहां की स्थिति, तो हमारे कार्यकर्ता शांति की जिम्मेदारी ले। मित्रों, आने वाले दिनों में कार्यकर्ताओं को मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। एक, पूरे देश में बूथ का काम हम मजबूती से फिर से एक बार देख ले। जो बूथ निर्मल है उस बूथ को एक बार मजबूत कर ले। दूसरा, पंचायत से पार्लियामेंट तक एक एक चुनाव भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता छोड़े नहीं। हर चुनाव पार्टी के विस्तार का माध्यम होता है, हर चुनाव जनता के बीच में जाने का एक मौका होता है, हर चुनाव अपनी विचारधारा को मतदाता के पास पहुंचाने का एक मौका होता है। इसको हम न गवाएं। हर चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़े, परिणाम जो आए वो आए, मगर हर चुनाव को भारतीय जनता पार्टी लड़े। मित्रों, आसाम, बंगाल, ओडिशा, सीमांध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल के सभी इकाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि वहां की जनता ने हमें वोट तो दिए, मगर वोट को हम सीटों में परिवर्तित नहीं कर पाए, क्योंकि वहां हमारी वोट कैचिंग मशीनरी, हमारा संगठन निर्बल था। अब चुनाव आने के पहले पूर्वी तट के ये सभी के सभी राज्यों में
हमारे संगठन को इतना मजबूत करिए कि आने वाले दिनों में जो भी चुनाव आए, मोदी जी के लिए जो वोट मिला था वो वोट सीट में, हम वोट को सीट में तब्दील कर पाए और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। मित्रों, यहां के संगठन की ओर से भी उस राज्यों पर विशेष ध्यान देने की व्यवस्था करी है। आपको जो सहायता यहां से मिलेगी, मिलना चाहिए, वो सभी मिलेगी। कार्यकर्ता भी दिए जाएंगे, फुल टाइम करने वाले लोग भी दिए जाएंगे और विशेष ध्यान कार्यक्रमों के माध्यम से इन राज्यों पर केंद्रित होगा, मगर मेहनत तो आपने करनी पड़ेगी। आपने ही इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का विस्तार करना पड़ेगा। और चौथी बात मित्रों, हम लंबे समय तक विपक्ष में रहे, हमारी भूमिका बदली है, बदली है ना, जरा हाँ या ना तो कहिए। तो हमारी मानसिकता भी बदलनी पड़ेगी। अब कार्यकर्ता ने सरकार और जनता के बीच में सेतु बनने का काम करना पड़ेगा। हमारा काम है सरकार के कार्यक्रम को लेकर जनता के बीच में जाए और जनता की समस्याओं को लेकर सरकार के पास जाए और दोनों का समन्वय कर भारतीय जनता पार्टी का विस्तार करें। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने अपने आप आत्मचिंतन कर अपने काम करने के तरीकों को फिर से एक बार गौर करना पड़ेगा, उसको बदलना पड़ेगा। और रचनात्मक रूप से सरकार ने दिए हर कार्यक्रम को लोगों के पास पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा और जनता की हर समस्या को फोरम के अंदर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। मित्रों, पार्टी के नेतृत्व को हम सब से, मुझसे लेकर बूथ के अंतिम कार्यकर्ता तक, सभी लोगों से एक कड़े परिश्रम की 10 साल तक उम्मीद है। ये परिश्रम ही भारतीय जनता पार्टी का विस्तार कर सकता है, ये परिश्रम ही भारत को कांग्रेस मुक्त बना सकता है और ये परिश्रम ही भारत को भाजपा युक्त बना सकता है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, मेरी बात को मैं गुरु जी की, परम पूजनीय गुरु जी की एक सूत्र कहकर समाप्त करना चाहता हूं। मित्रों, अगर हमने एक साथ काम किया, हमने संगठन मजबूत किया, हमने परिश्रम किया और निश्चित दिशा में परिश्रम किया, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बस अब विजय ही विजय है, विजय ही विजय है। भारत माता की जय।